हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। जय श्री राम, जय माता दी। मैं वंदना वाणी गोगना आप सभी के सामने दोबारा से आई हूँ और हमेशा आती हूँ और आती रहूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेके। देखिए, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट्स जो है वो आप इमिडिएटली देख सकते हो और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। देखिए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप उसको बहुत ही गौर से सुनिए, आप उसको अपनी अपने आप से रिलेट करिए और देखिए क्या आपके साथ ऐसा होता है, और होता है तो आप उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मेरी रेमेडीज बहुत सिंपल होती हैं और आप उसको करने के लिए आपको ज़्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मटीरियल भी नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा। सो आइए, अब मैं बात करती हूँ, मुद्दे पे आती हूँ। जो व्यक्ति अधिक सोते हैं, हमें सोना पसंद है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ओवर सोना बहुत पसंद है, जब मौका मिलता है सो जाते हैं। ठीक है, गुस्सा आना, नाक पे मक्खी नहीं बैठना, हम हर समय कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहना, ठीक है, जो ऐसे लोग होते हैं। फिर हर बात पे शक करना, शकी जो इंसान होते हैं, जो खाते बहुत हैं, जिनको हर समय लगता है कि अब हम खा जाए, खाना खा लें, खाने के बारे में सोचना, ऐसे जो लोग होते हैं जो मैंने अभी आपको जिनके कैरेक्टरिस्टिक बताए, अधिक सोना, अधिक खाना, शक करना, ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, ऐसे जो लोग हैं आप देखिएगा कि ये लोग जो है उनका बुध खराब होता है। ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं बिकॉज देयर माइंड इज नॉट स्टेबल, ये इनका बुध मर्क्यूरी बहुत ही खराब होता है। ऐसे लोगों को अगर हम उपाय करने के लिए भी बोले तो ये लोग नहीं करते, क्योंकि ये विश्वास नहीं रखते कि हम ऐसा करेंगे, बिकॉज इनका बुद्धि खराब है, ये सोचना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। अब ऐसे लोगों को हम कोई ऐसी छोटी सी रेमेडी दे दें, छोटा सा ऐसा काम दे दें जिसको ये खुशी खुशी कर ले और इनका जो बुद्ध है वो स्ट्रांग होने लग जाए। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति जिनका बुद्ध खराब हो, ये जो है इमीडिएट एक्शन लेते हैं, ये सोचते नहीं है कुछ भी करने के लिए, वो बुरा कार्य सोचते हैं, बुरा काम करते हैं और जिससे उनके जो रिलेटेड वर्क है ये खराब हो जाते हैं। हमने अपने प्लैनेट्स को ठीक करना है, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि हम अपने आप को सबसे पहले ठीक करें, फिर हम लोगों के लिए सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमें क्या करवा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सबके घर में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हैं हमारे घर में, कुछ ना हो तो दो तीन तो प्लांट्स गमले हमारे घर में जरूर होते हैं। हम सबको शौक होता है कि हम अपने घर में गार्डनिंग करें। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका बुध खराब है, उनको अपने प्लांट्स में वाटरिंग करने का काम उनको दे दीजिए कि तुमने जो है सुबह हो या शाम के वक्त, ठीक है, गमलों में पानी देना है, प्लांट्स को वाटर करना है। जब हम प्लांट्स की सेवा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लांट्स ग्रीन ही होते हैं, उनकी सेवा करना हमारा जो मर्क्यूरी है, हमारा जो बुध है, वो बहुत ही जल्दी ठीक होता है। प्लांट्स की सेवा करना, एनिमल्स की सेवा करना, इससे हमारे बहुत से रिलेटेड प्लैनेट्स ठीक होते हैं। तो जिन भी व्यक्ति जिनको आप देखेंगे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, उनको आप एक काम दे दीजिए कि आपने गमलों में पानी देना है, जल देना है, सेवा करनी है प्लांट्स की। उनको ये ना बताइएगा कि तुम्हारा बुध खराब है, तुम लड़ते बहुत हो, इसलिए हम तुमसे ये काम करवा रहे हैं। उनको सिंपल बोलो कि तुमने ये काम करना है और उनसे ये काम करवाइए। आप देखोगे कि धीरे धीरे उनका ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके ऊपर, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आप तुरंत ये काम करवाना शुरू करिए और खुद भी करिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, कभी कभी हम फंबल कर जाते हैं, ठीक है ना, बात करते करते हम अटक जाते हैं और या हमारे अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम लोगों को हम एड्रेस करें, हम स्टेज फियर होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो आप देखिए, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो स्टेज पे जाके माइक पे जाके बोलते हैं, उनका जो मर्क्यूरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर स्ट्रांग नहीं होगा वो हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट छोड़ ही नहीं सकते कि हम कहते हैं हमारा ये फलाना एक्टर हमें पसंद है। तो वो हमें पसंद क्यों होता है, क्योंकि उनका जो डायलॉग डिलीवरी होता है वो बहुत ही
मतलब इट इज सो पावरफुल कि हम उनको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रिय फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने आप के ऊपर वर्क करें, अपना बुद्ध स्ट्रांग करें, और उसके लिए छोटा सा उपाय आप खुद भी करिए और अपने प्रियजन से भी करवाना स्टार्ट करिए। ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको लर्निंग में मुश्किलें आती हैं, जो लर्न नहीं कर सकते, जिनको लर्न करने में अपने माइंड में वो बातें अपनी स्टडी को रिटेन नहीं कर सकते, उनसे भी ये काम कराइए कि चाहे एक गमला क्यों ना हो तो उस गमले में जल डालना स्टार्ट करो। तो आप देखोगे कि कितनी जल्दी उनकी जो स्टडीज हैं, उनकी जो लर्निंग पावर है, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो एंड शो योर थम्स अप। लाइक करिए, खूब सारा लाइक करिए, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे छोटे छोटे टिप्स लेके आती रहूंगी। बाय।